अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहीं आप भी फोन में रखी हुई कुरान की आयत को डिलीट करके कहीं आप गुनहगार तो नहीं हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो देख के शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आजकल डिजिटल क्रांति का दौर है, कमोबेश हर किसी के पास तो फोन होगा ही। हालांकि अपवाद के तौर पर मान सकते हैं कि कुछ लोगों के पास नहीं होगा, वही यह भी मान सकते हैं कि कुछ लोगों के पास होगा तो, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। बहरहाल स्मार्टफोन वाले अब सोशल मीडिया के जरिए नई सूचना क्रांति से जुड़ रहे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी राय और विचार की बेबाकी के साथ रख रहे हैं। हालांकि इसके जरिए तालीम के मामले में भी इजाफा हो रहा है और लोग अलग अलग साइट और मैसेज से लेकर पोस्ट तक को पढ़ रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको इस स्टोरी में मुस्लिम यूजर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुस्लिम यूजर्स खासा सक्रिय हैं। इसके जरिए वह अपने समाज के बुनियादी मुद्दों और परेशानी के सवाल को उठा रहे हैं और साथ ही साथ अपने हक और हुकूक की भी बात कर रहे हैं। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इसके जरिए वह दीनी तालीम का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मल्लन आपने तमाम ऐसी पोस्ट देखी होगी जिसमें कुरान शरीफ की आयत से लेकर उसका मतलब उसका तजुर्बा मौजूद रहता है। इसके अलावा तमाम हदीस भी सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंच रही है। लेकिन इन सबके बीच अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या फ़ोन में मौजूद कुरान की आयत को डिलीट करना गुनाह है। ऐसे में हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिलीट करने से बल्कि दो फायदे भी है। पहला माना जा सकता है कि जब आपका काम हो जाए तो आप आयत डिलीट कर दें, इससे आपको बेअदबी से बचाया जा सकता है। वही दूसरी, अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया हो या फिर उसके स्पेस की कमी आ रही है तो भी बिना कुछ सोचे उसे डिलीट कर दिया जा सकता है, क्योंकि इस्लाम में पहली चीज़ है नियत और उसे डिलीट करने की आपकी नियत अलग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इस्लामिक मालूमात है, जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना हमें प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।